देखिए हमारा पहले भी जब सेक्टर 5 में विपिन भाई ने बधाई देना चाहता हूं और एक अच्छी शुरुआत गुरुग्राम के लिए मैं कहूंगा कि ये है, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ये यहाँ पे एक तरह से उत्सव का माहौल हमें नजर आता है कि यहाँ पे शाम के टाइम बच्चों को हम घुमाने के लिए फैमिली के साथ हम यहाँ आ सकते हैं और बहुत थोड़े से पैसे में हम सारी तरह का इंजॉयमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे हर तरह की शॉप्स यहाँ पे नजर आती हैं। आज आप देखेंगे कोरोना के बाद एक जो माहौल बाजार में रहा कि कहीं कहीं जो भी छोटी दुकानदार थे उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जहां तक हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं उससे भी छोटे छोटे व्यापारों पे काफी एक नकारात्मक प्रभाव पिछले समय में हुआ। तो इस तरह की शुरुआत एक बहुत अच्छी शुरुआत है। यहाँ पे एक आम आदमी जो एक मैं कहूंगा लोअर मिडिल फैमिली का आदमी जो थोड़ी बहुत एक उसकी इनकम थोड़ी है तो यहाँ पे आके अपने बच्चों के साथ यहाँ पे मौज मस्ती भी कर सकता है, अपनी छोटी छोटी शॉपिंग भी कर सकता है। मैं यदि देख रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मान लो मैं 10 रुपए की 2 रुपए खाना चाहूँ तो भी मुझे अच्छे जो बाजार में जो 5 रुपए का एक मिलता है या 2 रुपए का एक यहाँ पे शायद यहाँ पे मैं बच्चों को गोल गप्पे खिला सकता हूँ, भेलपुरी खिला सकता हूँ, एक अच्छा इंजॉयमेंट थोड़े पैसे में मैं कर सकता। चलते चलते सर आखिरी सवाल आपसे, आप मुख्य अतिथि के तौर पर आपने इसकी शुरुआत की है तो आने वाले आसपास के दर्शकों को या गुरुग्राम की जनता को क्या कहेंगे? देखिए मुख्य अतिथि की तो मैं कहता हूँ कि अतिथि तो सारे जो ग्राहक लोग हैं वो ज्यादा है कि इसकी वजह से वो ज्यादा होम तो अतिथि भाई के दोस्त मित्र भाई हैं और लेकिन कार्यक्रम की कोई ना कोई औपचारिकता होती है उसके तहत आने का मौका मुझे मिला है। मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। मैं सभी भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो मेले होते हैं इस पे हमें इनको प्रोत्साहित करना चाहिए और सबसे बड़ा प्रोत्साहन ये होता है कि हम यहाँ पे ज्यादा ज्यादा संख्या में आए और जो भी हमारी पॉकेट अलाउ करते हैं कुछ ना कुछ शॉपिंग जरूर करें, क्योंकि नवीन भाई भी कई बार अलग अलग मंच से बात को साझा करते हैं कि हमें इस तरह की जो शॉपिंग हो विंडो शॉपिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग से जो पैसा होता है वो बड़े बड़े घरानों को जाता है, जबकि जो देखते हैं जो भी यहाँ पे शॉप जिसने लगाई है वो एक आम छोटे व्यापारी है। तो जब तक छोटे व्यापारी छोटे कारगर कामगार आदमियों को हम प्रमोट नहीं करेंगे तो गुरुग्राम का या कहें कि अपने देश का एक सही एक संतुलित विकास नहीं हो सकता। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि हमें ये जो आदत है हमारी जो शॉपिंग की आदत है हमारे को बच्चों को घुमाने की आदत है हमारे को जरूर अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। आजकल बच्चे मोबाइल में रह के उनके जीवन उनका अलग तरीके का हो गया है। तो बच्चों को घुमाने आएंगे तो बच्चों के साथ हमारी आत्मीयता भी बढ़ेगी, परिवार के साथ हम समय बिताएंगे हमारा कहने के रिलेशन और अच्छे होंगे। तो ये इससे बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल प्रभाव फैमिली पे पड़ेगा, हमें इसको जरूर प्रोत्साहित करना चाहिए और इसकी शुरुआत मेरे आने से भी हुई है, मुझे भी अच्छा लगा कि अगली बार मैं मेरी फैमिली के साथ भी आऊंगा। ठीक है आपका सर विपिन जी आपसे ही चलते चलते सवाल कर लेते हैं, कैसा लगा आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है यहाँ? बहुत अच्छा लगा सर, आप भी बताएंगे कैसा लगा और बाकी जो दर्शक आएंगे वो बताएंगे सर कैसा लगा। जैसा कि यहाँ मौजूद है हर प्रकार की खाने पीने की कपड़ों की झूलों की व्यवस्था मौजूद है, तो अभी एक या दो स्टॉल वैकेंट भी है हमारे पास, वो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। टिकट सर नॉमिनल से चार्जेज है। कब तक यहाँ बनेगा सर? ये हमने आज से स्टार्ट किया है 24 से सर 8 मई तक। कुछ एड्रेस मेंशन करेंगे सर? एड्रेस ये है कि ये पहली बार गुड़गांव में मिडनाइट बाजार लगा है, जिसका मतलब होता है कि रात के टाइम जो बाजार लगता है उसका मिडनाइट बाजार बोलते हैं। मिडनाइट बाजार ये ई ब्लॉक में व्यापार केंद्र में पालम विहार में लगा हुआ है सर, जो व्यापार केंद्र के गेट नंबर 6 के बिल्कुल साथ में। कोरोना काल के बाद जैसे ही बीत चुका है और लोग घरों से निकल रहे हैं सर, कोरोना तो बीता तो कहाँ है, कोरोना तो अभी है, बस हम यही कहते हैं कि जो भी दर्शक हमारे पास आए वो मास्क वियर करके आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप क्या कहेंगे सर? सर एक नया कॉन्सेप्ट हमने दिया है जो मिडनाइट बाजार करके हमने जो नाम दिया है इसका ना, तो आजकल गर्मी बहुत है तो दिन में तो कुछ होता नहीं है तो शाम को ही सब कुछ होता है, तो हमने उसको नाम दिया है मिडनाइट बाजार। तो इसमें सब हमने एक सभी को एक साथ जोड़ा है, मतलब इसमें हैंडीक्राफ्ट की स्टॉलों को भी और कंज्यूमर स्टॉलों को भी कंपनीज को भी सबको एक जगह इकट्ठा करके हमने इसको यहाँ पे हमने किया है। नहीं जैसा हम देख रहे हैं बच्चों के लिए भी काफ़ी स्टॉल है, हाँ। खाने पीने की महिलाओं के लिए व्यवस्था है। हाँ हाँ जी, खाने पीने के लिए भी सारा अरेंजमेंट है, हाँ पूरा कॉम्बो सिस्टम बनाया गया, मतलब कि आप यहाँ आएंगे तो पूरा इन्जॉय आप ले सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, फन भी कर सकते हैं, हर चीज़ की आपको यहाँ पर सुविधा। ये सर हमने जो टाइमिंग रखी है शाम को 3 बजे से रात को 10 बजे तक है। हाँ जी, दर्शकों जिस प्रकार यहाँ व्यवस्था देखी आपने काफ़ी खूबसूरत और अच्छी व्यवस्था है और आप लोग भी आकर यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद। जो 80 में एक है बट मैं अपोलो का प्रमोशन से 100 में 3 दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें फ्लोवर क्लींजर है, टॉयलेट क्लींजर है, हैंड वाश है, वेजिटेबल फूड वाश है, वाइप्स है,
तो ये सब 100 में 3 आइटम्स है जो कि हमारे कंपनी प्रमोट कर रही है कि अपना प्रोडक्ट निकालें प्रमोट कर रही है। चैनल के दर्शकों के लिए कुछ खास छूट होगी आपकी? सर सबके लिए है 100 में 3 आइटम्स और प्लस में ये जो है बाय वन गेट वन टू वगैरह है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, काफ़ी समय बाद झूलने को मिला है। बच्चे खुश है काफ़ी, उनके पेरेंट्स भी मौजूद है शायद। क्या नाम हुआ जी? मेरा माला। माला जी, जैसे कोरोना काल चल रहा था, निकलना नहीं था कहीं भी, बच्चे घर में कैद हो गए थे, क्या कहें? बिल्कुल, बहुत मुश्किल था बच्चों के लिए फेस ना, पर अब थोड़ा सा कुछ है, एम्यूजमेंट पार्क टाइप थोड़ा बहुत छोटा ये लगाया है, अच्छा है, बच्चे थोड़ा आ रहे हैं।